26 फरवरी 2019 वो तारीख है जब देश ने अपने वीर जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। पीओके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद अब कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू का रिएक्शन आया है, या फिर यूं कहें कि अब सिद्धू के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीओके में भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर सिद्धू अब क्या बोल रहे हैं, ये बताने से पहले हम आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद दिया था। सर, कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन 7x7 इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके किसी को गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। और इसी बयान के बाद सिद्धू की चौतरफा निंदा होने लगी। नतीजन पूरी फिल्म मीडिया से उन्हें बायकॉट कर दिया गया। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से भी हाथ धोना पड़ा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें कलयुग का जयचंद करार दिया। मेरा इतना मानना है कि वो लोग जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बतलाते हैं, वो लोग जो ठहाके लगाते हैं और पाकिस्तान का दोष नहीं देखते, ऐसे आधुनिक भारत के जयचंदों के बारे में भारत की जनता क्या इमोशन रखती है, क्या भावना रखती है, ये भारत की जनता आपको स्वयं बता सकती है। चौतरफा आलोचना झेलने के बाद अब सिद्धू के मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आज जैसे ही भारत की ओर से पीओके में की गई कार्रवाई सामने आई जिसमें पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, सिद्धू के सुर एक झटके में बदल गए। जो सिद्धू पहले बातचीत की दुहाई दिया करते थे, आज वो सेना के इस ऑपरेशन पर कह रहे हैं कि लोहा लोहे को काटता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडोट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है, भारतीय वायुसेना की जय हो, जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो देखा आपने, ये वही सिद्धू हैं जो अपने दोस्त और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के एक बुलावे पर दौड़े दौड़े पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहां। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।